हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग केयर विथ लक्ष्मी पर। तो फ्रेंड्स, मैं लेकर आई हूं आज एक नई वीडियो एक नई टॉपिक के साथ, जो आपकी प्रेगनेंसी या आपके घर में किसी की प्रेगनेंसी है तो उसमें बहुत ही यूज़फुल साबित होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या भुने हुए चने खा सकते हैं, भुने हुए चने के क्या फ़ायदे हैं और इसके कोई नुकसान भी हैं। तो फ्रेंड्स, मैं पिछली वीडियो में आपको कच्चे चने के बारे में बता चुकी हूँ, कच्चे चने खाने के फ़ायदे और नुकसान क्या क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं बताने जा रही हूँ कि भुने हुए चने आपको प्रेगनेंसी के दौरान खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए, ये खाने से आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे और इसके नुकसान क्या हैं। तो सारे डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चने में कई ऐसे पोषक तत्व तो होते हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान माताओं को तमाम समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं। चने में पोषक तत्व के साथ साथ इसके कुछ नुकसान भी हैं, इसलिए आप इसके सेवन से पहले इसके फ़ायदे या नुकसान के बारे में जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। सेहत के लिहाज से चना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। चने में आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर, फोलेट और विटामिन सी जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि व्यक्ति रोजाना चने का सेवन करे तो उसके शरीर में खून की कमी नहीं होती है, इसलिए ये प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। प्रेग्नेंट महिलाओं को सामान्य लोगों की अपेक्षा ज़्यादा पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसे अपने साथ साथ गर्भस्थ शिशु की भी सेहत का भी ख्याल रखना पड़ता है। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल असंतुलन की वजह से महिलाओं को कब्ज, गैस, मिचली आदि की समस्या भी झेलनी पड़ती है। प्रेगनेंसी में तो ज़्यादातर महिलाएँ गैस और कब्ज की वजह से परेशान होती हैं। प्रेगनेंसी के टाइम में गैस बहुत अत्यधिक बनता है, गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है प्रेगनेंसी के दौरान। ऐसे में चने का सेवन गर्भवती महिला को किस तरह के फ़ायदे और किस तरह के नुकसान पहुंचा सकते हैं हम बताएंगे आपको। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को काफ़ी थकान और कमजोरी का महसूस होना, चने का सेवन थकान और कमजोरी को दूर करता है। इससे काफ़ी ताजगी महसूस होती है और महिला रिलैक्स महसूस करती है। फ्रेंड्स, अगर चने का सेवन आप करती हैं तो आपको थकान कमजोरी महसूस नहीं होगी। प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादातर महिलाएं कब्ज की समस्या से परेशान रहती हैं, ऐसे में उनके लिए चना काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। चने में फाइबर की अच्छी मात्रा हो से इसका सेवन कब्ज दूर करने में मददगार साबित होता है और आपको कब्ज से राहत मिलेगी। प्रेगनेंसी के दौरान करीब 65 से 75% महिलाओं को एनीमिया की शिकायत होती है, जिसके कारण कई तरह की कॉम्प्लिकेशन यानी समस्याएँ आने को डर बना रहता है। चने में काफ़ी मात्रा में आयरन पाया जाता है, जो शरीर में ब्लड लेवल को बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है और एनीमिया यानी खून की कमी को दूर करता है। प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादातर महिलाओं को शुगर का शिकायत हो जाता है, यानी डायबिटीज़ यानी शुगर की शिकायत हो जाती है। ऐसे में चने का सेवन काफ़ी उपयोगी है। चने में स्टेंट स्टार्च और एमिलोज होते हैं, जो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने से रोकते हैं, इस कारण ये शुगर के खतरे में भी बचाता है। फ्रेंड्स, अगर कोई चीज़ है उससे फ़ायदा हो रहा है तो उसके कोई नुकसान भी हैं, साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम तो फ़ायदे के बारे में जान लिए हैं, अब आपको बताते हैं इसके नुकसान क्या हैं। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं। प्रेगनेंसी में तमाम महिलाओं को एलर्जी हो जाती है, ऐसे में चने का सेवन नहीं करना चाहिए। चने से एलर्जी की समस्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की एलर्जी है तो आप चने का सेवन ना करें, इससे आपको दिक्कत बढ़ सकती है। अगर आपको अक्सर पेट फूलने की समस्या होती है तो भी चने का सेवन नहीं करना चाहिए। चने में प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है, जो इस समस्या को बढ़ा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप चने का सेवन ना करें। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप चने का सेवन निश्चिंत होकर कर सकती हैं। और हाँ, सुबह में आप खाली पेट चने का सेवन ना करें, क्योंकि खाली पेट चने का सेवन करने से आपको एसिडिटी यानी गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। आप इसे खाना खाने के बाद या दोपहर या शाम को भी ले सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, हम आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।